गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग रक्षा, योगेश, रोहित, नेहा, प्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुधीर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी? बिल्कुल अच्छे हैं बेटा प्रिया, बहुत अच्छे। चलिए बढ़िया है, अच्छे रहने चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, सभी की तबीयत बहुत अच्छी है। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग अपूर्वा। चलिए तो आई थिंक प्रिया ने कल मेहनत करी होगी, पढ़ाई करी होगी। थोड़ा सा कल मैंने कुछ आपको कुछ बताया था, तो मेहनत करी थी क्या प्रिया? क्वेश्चंस किए थे? गुड मॉर्निंग बेटा अश्मित। प्रिया, पढ़ाई करी थी क्या कल? सुन पा रहे हैं मुझे प्रिया? प्रिया क्या क्लास में नहीं हो क्या आप? नहीं, चलिए कोई नहीं, अभी आ जाएंगे वापस। तो देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो हमारा टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन का चल रहा था, ठीक है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टॉपिक चल रहा था उसको आप अच्छे से थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी आ गई या नहीं आई? सभी को वेरी गुड रक्षा। किसी को कोई डाउट हो उसके अंदर तो बता सकता है, पूछ सकता है थोड़ी थोड़ी। दो नंबर की इक्वेशन, हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा किसी को भी। नेहा, लास्ट क्लास में तो अब क्या पता मुझे, तो अब एक बार आप कोई भी बच्चा है वो दो दो नंबर क्या, दो सेकंड क्वेश्चन की या फिर दो नंबर क्या है, क्या पूछना चाह रहे हो? सेकेंड क्वेश्चन, आपके पास बुक है क्या? तो ट्रांजेक्शन बता दीजिए, आप इसमें लिख दीजिए फटाफट ट्रांजेक्शन, मैं अभी बता दूंगा। ट्रांजेक्शन लिख दीजिए, ट्रांजेक्शन लिख दीजिए। तो ये अगर आपका जो है क्वेश्चन तो उसको सुनिए आप। ही डिपॉजिटेड 80,000 इन बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि सुनिए, पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, आपके पास जो पैसा था उसको आपने कहाँ डिपॉजिट करवा दिया? बैंक में।
तो उससे क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, कैश जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, आपके पास जो भी कैश है वो रिड्यूस हो जाएगा, और बैंक में पैसा आपका डिपॉजिट हो जाएगा, तो बैंक का कॉलम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बैंक और आपका कैश ये दोनों एसेट होती है, बैंक और कैश दोनों क्या होती है, एसेट होती है। तो एसेट साइड में ही आपको इसका ट्रीटमेंट करना है, कैश में रिड्यूस करना है, और बैंक का एक सेपरेट कॉलम बनेगा, उसके अंदर आपको ये पैसा लिखना है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपने कर लिया होगा, किया था क्या ये क्वेश्चन पूरा आपने, या मैं करवा रहा था? नहीं बेटा, नेहा कैपिटल इंक्रीज नहीं होगी, इससे कैपिटल इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करें स्टूडेंट्स, मैं आपको ट्रांजेक्शन बोलता हुआ चलूंगा, क्या इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करें? चलिए, वेरी गुड, तो हम देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहला आपने जो ट्रांजेक्शन लिखा उसके अंदर, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, कैश के कॉलम में सबसे पहले 30,000, स्टॉक के कॉलम में 50,000, फर्नीचर के कॉलम में 10,000, ये तीनों आपने लिखा है, और कैपिटल में आपको लिखना है कितना, 3,60,000, 3,60,000। उसके बाद में सेकेंड जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर आपको क्या करना है, ही डिपॉजिटेड 80,000 इन बैंक, तो बैंक में से आप कम कर दोगे, ठीक, मतलब कैश में से आप कम कर दोगे, और एक बैंक का कॉलम बना लोगे कैश के पास में, मतलब ये कैश स्टॉक फर्नीचर के पास में एक कॉलम बना लोगे बैंक का, तो बैंक के कॉलम में लिख दीजिए 80,000, और कैश में से आप माइनस कर दीजिए, तो कैश में बच जाएगा 220, स्टॉक एज इट इज आ जाएगा 50, फर्नीचर 10 और बैंक 80। बोलो यहां तक कर लिया आपने? न्यू इक्वेशन डालकर और फिर उसका बैलेंस कर दो। अब थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन मैं बोल रहा हूं, तो आप बताइएगा, यहां तक कर लिया सभी ने? यस, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिएगा, बॉट गुड्स फॉर कैश 30,000, सुनिए दोबारा बोल रहा हूं, बॉट मतलब परचेज, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 इन कैश एंड रुपीज 40,000 ऑन क्रेडिट, 30,000 रुपये नगद में और 40,000 रुपये उधार में गुड्स खरीदा, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, बताते जाइए। सभी बच्चे कोशिश करिए, यस नेहा, वेरी गुड, इस बार बहुत अच्छा, कैश में 30,000 माइनस हो जाएगा, वेरी गुड, एंड उसके बाद में क्रेडिट में 40,000। देखिए रक्षा का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, देखो हमारे पास में स्टॉक कितना आ रहा है, देखिए, यस अपूर्वा ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, लायबिलिटी, तो सुनिएगा स्टॉक कितना आ रहा है, 70,000 आ रहा है, 70,000, 30,000 रुपये, तो 30,000 का स्टॉक तो कैश में और 40,000 का उधार, तो स्टॉक कितना आया, वो 70 आया, तो हम स्टॉक के अंदर 70 ऐड कर देंगे। और आप सोचो जब आप परचेज करते हो गुड्स वो भी क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर्स अराइज होते हैं, और लायबिलिटी साइड में आप
क्रेडिटर्स का एक कॉलम बनाओगे, जो कॉलम बने हुए ना आपके चार कॉलम, उसमें क्रेडिटर का कॉलम बना दोगे और वहां पे 40,000 रुपये लिख दोगे। और फिर आप इसके पूरा लाइन खींच दो और बैलेंस कर दो, फिर देखो बैलेंस मैच हो रहा है क्या। सभी बच्चे देखिए बैलेंस मैच हो रहा है क्या। कैश में से माइनस करेंगे 30, स्टॉक में ऐड करेंगे 70, और क्रेडिटर्स में 40,000 लिख देंगे, और फिर बैलेंस कर दो लाइन ड्रॉ करके, पूरी बड़ी लाइन बैलेंस लगा दीजिए। अश्मित कर रहे हो क्या आप? राहुल, राकेश, अश्मित, राहुल, राकेश, आपका जवाब नहीं आ रहा बेटा। बाकी बच्चे बैलेंस देखिए, बैलेंस मैच हो गया क्या? यस और नो। एसेट और लाइबिलिटीज का दोनों का बैलेंस देखिए। बेटा बोर्ड छोटा है इस वजह से नहीं बता रहा हूं, और वैसे भी मेहनत आपको ही करनी है ना, तो एक बार आपको ड्रॉ तो करना ही पड़ता। ड्रॉ भी नहीं किया क्या आपने? सभी बच्चे देखिए कर रहे हैं, तो इनको कैसे आ रहा है, क्योंकि ये कर रहे हैं और आप कर ही नहीं रहे हो। बोर्ड पे बता दो तो, बोर्ड पे तो मैं बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें मेरी प्रैक्टिस होगी। आपकी प्रैक्टिस तो तब होगी जब आप खुद करोगे। 3-4 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे ही तो बताए थे, अब मैं ये चाहता हूं कि आप भी करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। समझ रहे हो क्या राहुल? वेरी गुड, सभी का आंसर मैच हो गया। अब हम थर्ड नंबर, चौथा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चौथा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। राहुल एक बार आप बेटा फटाफट से ये बना लीजिए। पहला कॉलम सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम ट्रांजेक्शन का, फिर एसेट के 8 कॉलम बनाओ, एसेट के 8, लायबिलिटी के 4। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर का ट्रांजेक्शन देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। बिल्कुल, मैं दो बार रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, परचेज अ मशीनरी फॉर ₹3 लाख बाय रेजिंग लोन फ्रॉम SBI बैंक। आपने मशीनरी परचेज करी है, वो भी लोन लेकर, वो भी लोन लेकर, और कितने रुपए की मशीनरी है? 3 लाख रुपए की मशीनरी है। लोन लिया और मशीन खरीदी। यस, लायबिलिटी में लोन का कॉलम बनेगा। वेरी गुड रोहित। और मशीनरी का एक कॉलम बन जाएगा एसेट साइड में। तो एसेट साइड में जो अभी बैंक का कॉलम बनाया है, उसके पास में आप क्या करोगे? मशीनरी का कॉलम बना लोगे और उसमें 3 लाख रुपए लिखोगे। देखिए यहाँ पर कैश में कुछ कम होगा क्या? कैश में कुछ माइनस होगा क्या? यस yes, बिल्कुल सही बात है रक्षा। यहाँ पर कैश में से कुछ भी रिड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो लोन लिया है, मतलब मशीन खरीदी है, वो लोन लेकर खरीदी है, और लोन लिया है तो वो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि लोन का पैसा हमें पेमेंट करना पड़ता है, लोन का पैसा हमें पे करना पड़ता है। इस वजह से हमें लायबिलिटी साइड में एक कॉलम बनाना है बैंक लोन का, ठीक है, और मशीनरी के अंदर लिखना है। अब वापस से लाइन
खींच दीजिए, बैलेंस कर दीजिए और देखिए क्या बैलेंस मैच हो रहा है क्या। लाइन ड्रॉ कर दीजिए और बैलेंस लगा दीजिए और देखिए क्या बैलेंस मैच हो रहा है क्या। अश्मित अपूर्वा ने कहा यस सर मैच हो गया। रक्षा ने भी कहा कृतिका वेरी गुड, ये भी कह रही है कि मैच हो गया। और राहुल जो है, राहुल कह रहा है कि सर एक बार देखते हैं। बेटा राहुल बना लिए आपने, कॉलम बना लिए बेटा राहुल? राहुल राहुल यस, तो आप कॉलम के अंदर आप देखिए एसेट के जो कॉलम बनाए ना आपने, उस एसेट के कॉलम में पहला कॉलम कैश लिखिए, दूसरा कॉलम आप स्टॉक का लिखिए, दूसरा कॉलम स्टॉक का। राहुल लिखिए फटाफट, पहला कैश, दूसरा स्टॉक, तीसरा कॉलम लिखिए फर्नीचर, चौथा कॉलम लिखिए बैंक, पांचवा कॉलम लिखिए मशीनरी और अभी तीन कॉलम जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हम पढ़ेंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। और लायबिलिटी साइड में आ जाइए, उसमें पहला कॉलम लिखिए क्रेडिटर, दूसरा कॉलम लिखिए बैंक लोन और एक कॉलम छोड़ दीजिए और लास्ट वाले कॉलम में लिख दीजिए कैपिटल। कैपिटल लिख दिया बेटा राहुल? तो इनके नीचे अभी ऐसा करिए, आप जो अभी मैं बैलेंस बता रहा हूं वो बैलेंस लिख दीजिए पहले। आपको दो या तीन जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा। अभी पहले बैलेंस लिख दीजिए, कैश के नीचे बैलेंस लिखिए। कैश के नीचे बैलेंस लिख दिए 1,90,000। स्टॉक के नीचे लिखिए 1,20,000। फर्नीचर में लिखिए 10,000। बैंक में लिखिए 80,000। मशीनरी में लिखिए 3 लाख। 3 लाख राहुल, मशीनरी में लिखिए 3 लाख, लिख रहे हो ना? क्रेडिटर में लिखिए 40,000। बैंक लोन में लिखिए 3 लाख। बैंक लोन में लिखिए 3 लाख और कैपिटल में लिखिए 3,60,000। 3,60,000 लिख लिया क्या राहुल? क्या कह रहे हो? तो बस यहीं से ही आप स्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिए बेटा। अब मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझिएगा आप, और आप उसको समझिए, समझ के फिर करना कि कौन सी चीज बढ़ रही है कौन सी चीज कम हो रही है, इसका ध्यान रखिए। तो इसमें देखिए
सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट अ प्रॉफिट 30% टू दिनेश ऑन क्रेडिट, ₹20,000 का माल 30% प्रॉफिट पर क्रेडिट पे सोल्ड कर दिया। ₹20,000 का माल हमने 30% प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया क्रेडिट पे। यस, रोहित ने कहा सर 6,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब ₹20,000 का जो गुड्स है वो हमने कितने रुपए में बेचा, 26,000 में। पैसा आया क्या, पैसा आया क्या, कैश आया क्या? नहीं आया। वेरी गुड। स्टॉक, स्टॉक में क्या करेंगे, स्टॉक में क्या करेंगे? कितना नेहा, कितना? यस रोहित, देखिए रोहित कह रहे हैं 20,000। सुधीर को, सुधीर रिपीट कर रहा हूं सुनिए। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट प्रॉफिट 30% ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे ₹20,000 का गुड्स 30% प्रॉफिट पे बेच दिया। यस, तो स्टॉक में से माइनस कर दीजिए और एक कॉलम जो बनेगा वो बनेगा डेटर्स का, डेटर्स का कॉलम बनेगा। ₹26,000 उसके अंदर लिख दोगे आप। ₹20,000 का कितने रुपए में बेचा, 6,000 रुपये में प्रॉफिट पे, तो मतलब 26,000 में बेचा। डेटर में लिखिए आप एक कॉलम, राहुल एसेट में एक कॉलम और बढ़ा दीजिए आप, मशीन के आगे, मशीन के आगे एक कॉलम आ जाएगा डेटर्स का, उसमें 26,000 लिख देना, 26,000। और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, कोई बताएगा? यस, रोहित और रक्षा दोनों सही है। कैपिटल में ऐड कर देंगे क्योंकि मैंने बताया था, याद करिए कैपिटल में क्या क्या चीजें ऐड होगी और क्या क्या चीजें लेस होगी। प्रॉफिट इनकम ऐड हो जाएगी, लॉस और एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे, ड्राइंग लेस हो जाएगी, क्या एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसका बैलेंस कर दो। क्या मैच आ रहा है, मैच हो रहा है क्या? बैलेंस कर दीजिए, मैच हो रहा है क्या? तो रुपए नहीं आए तो क्या हो गया, डेटर्स में लिख दिया ना हमने, आ जाएंगे रुपए, रुपए कहाँ जाएंगे? स्कूल वाले आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो वो अगर ऐसे बोले अपूर्वा से तो रुपए तो आए ही नहीं है, हम कैसे पढ़ाए? तो फिर बताओ, पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। तो अभी स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं, रुपए कहाँ जाएंगे, रुपए तो आ जाएंगे। तो स्कूल वालों के लिए अभी आप क्या हो, डेटर्स। स्कूल वालों के लिए आप क्या हो, यस। और
आपके लिए स्कूल क्या है ये बताइए। चलिए आपके लिए, आपके लिए स्कूल क्या है? यस, रोहित ने बिल्कुल सही कहा, क्रेडिटर। क्रेडिटर है, रक्षा भी कह रही क्रेडिटर्स और अपूर्वा भी कह रही क्रेडिटर्स। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है। वेरी गुड। चलिए तो बैलेंस मैच हो गया आपका सभी का। चलिए तो अब मैं एक और ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, रुकिए ध्यान से सुनिए बेटा। विड्रो गुड्स रुपीज 5,000 एंड कैश रुपीज 4,000 फॉर पर्सनल यूज। सुनिए दोबारा बोल रहा हूँ, विड्रो गुड्स रुपीज, गुड्स गुड्स रुपीज 5,000 एंड कैश रुपीज 4,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। बताइए क्या करेंगे सभी बच्चे, जवाब दीजिए। जो पहले जवाब देगा उसको इनाम मिलने वाला है। ये ऐसे पांच पांच नहीं, पूरा सही तरीके से जवाब दो। बढ़िया, पूरा जवाब देना है। बढ़िया, चॉकलेट मिलने वाली है, जल्दी जवाब दो। नेहा ने कहा कैश में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस बापूर्वा, वेरी गुड अपूर्वा। बुक में से देख देख के नहीं बताना है, समझ के बताना है। रक्षा कैरी है सर, गुड्स कैश में सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड रक्षा, ये ऐसे बताना। देखो अच्छा बताया रक्षा ने, रोहित ने भी कहा है। और अच्छा ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। तब तो मैं सोच रहा हूं कि कैसे बता दिए। चलिए तो अब देखिए, जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो मैं बता देता हूं। देखो बिजनेस में से गुड्स गया और कैश गया, तो गुड्स कितना गया 5,000 का, तो 5,000 माइनस कर देंगे। कैश कितना गया 4,000, तो कैश में से 4,000 माइनस कर देंगे। और ये दोनों क्या है, ड्राइंग है, तो ये ड्राइंग कैपिटल में से भी माइनस होती है, तो कैपिटल में से 9,000 माइनस कर देंगे। 5 + 4 मिलाकर कितने हो गए 9,000, वो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और अब आपको क्या करना है, वापस से बैलेंस कर दो फटाफट जल्दी। बैलेंस मैच हो रहा है क्या? देखिए बैलेंस मैच हो रहा है क्या? बैलेंस मैच हो गया क्या? अश्मित, कुलदीप, राकेश, सुधीर, रक्षा, बैलेंस मैच हो गया। राहुल,
चलिए बहुत बढ़िया। ये प्रिया तो क्या गुड मॉर्निंग करके चली गई थी क्या? बस गुड मॉर्निंग करने के लिए आई थी क्या? कह रहा हूँ प्रिया गुड मॉर्निंग करने के लिए आई थी क्या बस? चलिए तो आगे आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सुनिए, इसमें जो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ वो बात कर रहे हैं हम। सुनिए, अच्छा अच्छा है ये ट्रांजेक्शन, और इसको समझ के करना। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन लिया था ना उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, जो कि एक बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज 8,000, 8,000, 8,000, एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैंक लोन ऑफ रुपीज 30,000 बाय चेक। बाय चेक मतलब इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट का पैसा 8,000 रुपये, और जो आपने लोन लिया था उसमें से केवल अभी 30,000 दे रहे हैं, तो 30,000 ये दोनों अमाउंट चेक के थ्रू पेमेंट किया, चेक के थ्रू। लायबिलिटी 8,000 नहीं होगी। नो अपूर्वा, चेक का कॉलम अलग से नहीं आएगा। हाँ ये सही है, रोहित ने कहा कि 30,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा लोन में से, ठीक है। और रक्षा ने भी कहा ठीक है। बताइए नेहा और कृतिका बता रहे हैं, बताइए बताइए बेटा जल्दी। यस देखिए सुनिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए सभी बच्चे सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए आपका पैसा कितना पेमेंट हुआ ये बताइए, एक तो 30,000 की इंस्टॉलमेंट और एक इंटरेस्ट का अमाउंट, तो टोटल कितना पेमेंट हुआ 38,000 रुपीज का, और वो भी कैसे, चेक के थ्रू। चेक के थ्रू इसका मतलब आपका पैसा बैंक में से कटेगा, आप किसी को चेक दोगे तो आपका पैसा किस में से कट जाएगा, बैंक में से तो कटेगा, तो आपका बैंक कम हो जाएगा, बैंक का कॉलम जो आपने बना रखा है ना वो 38,000 रुपीज कम हो जाएगा पहला तो, ठीक है। और फिर उसके बाद में दूसरा चीज देखिए, आपका लोन का अमाउंट है 3 लाख रुपए का, जिसमें से आप 30,000 रुपए दे चुके हो,
तो इसका मतलब अब लोन कितना रह गया, 2,70,000, तो इसका मतलब 30,000 लोन में से माइनस हो जाएगा। और अब एक मैंने बोला था इंटरेस्ट जो उस लोन पे दिया है वो है 8,000, वो हमारा क्या एक्सपेंसेस है। और मैं क्या कहता हूँ, एक्सपेंसेस और लॉस जो भी है वो आपके कैपिटल में से माइनस होगा, तो कैपिटल में से 8,000 माइनस हो जाएगा। तो इस केस में अब यहाँ पर ये 8,000 कैपिटल में से माइनस कर दो, बैंक लोन में से 30,000 माइनस कर दो, और एसेट साइड में बैंक में से 38,000 माइनस कर दो, और फिर आप टोटल लगा दो, लाइन खींच के बैलेंस लगा दो, बैलेंस मैच हो रहा है क्या देखो। बैलेंस लगाकर देखो बैलेंस मैच हो रहा है क्या। राहुल, राहुल बेटा कर रहे हो आप? दोबारा बोल रहा हूं सुनिए, बैंक के कॉलम में से 38,000 माइनस करना है, क्योंकि इंटरेस्ट का और लोन का पेमेंट आपने बैंक से किया है तो वो माइनस कर दोगे। बैंक बैंक लोन जो है लायबिलिटी साइड में, उसमें से 30,000 माइनस कर दो और कैपिटल में से 8,000 माइनस कर दो। 8,000 क्यों माइनस किया कैपिटल में से, क्योंकि लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया ना वो आपका क्या है खर्चा है, और वो हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। हाँ राहुल बेटा कर रहे हो ना, क्या मतलब आपने कर लिया ये? वेरी गुड, मैच हो रहा है बैलेंस सभी का। सभी का बैलेंस मैच हो रहा है। नेहा का हो गया और रक्षा का भी हो गया। अपूर्वा कह रही है रुको, और बाकी की, और रोहित, सुधीर, राकेश, कुलदीप, अश्मित, बैलेंस मैच हुआ आपका? नहीं हुआ? इससे लास्ट वाला तो हो गया था ना मैच, इससे पहले वाला कुलदीप। तो देखिए बेटा, बैंक के कॉलम में से 38,000 माइनस करो, तो एसेट साइड में कितना माइनस हुआ, 38, और लायबिलिटी साइड में देखो कैपिटल में से माइनस करो 8,000 और लोन में से माइनस करो 30,000 बस। देखो राहुल का भी हो गया, बच्चा नया है वो स्टूडेंट, वो उसको उसका भी हो गया। वेरी गुड राहुल, तो आगे चलते हैं बेटा। देखिए मैं ट्रांजेक्शन एक और बोल रहा हूं, अब कमीशन रिसीव्ड
ऑफ रुपीज 8,000, कमीशन रिसीव्ड ऑफ रुपीज 8,000, कमीशन रिसीव्ड ऑफ रुपीज 8,000 क्या होगा इसका, क्या करेंगे? कमीशन हमारी इनकम होती है जो कि हमें प्राप्त हुई है, मिली है। वेरी गुड, कैश एंड कैपिटल में ऐड होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, सभी बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, कर दीजिए, कैश में ऐड कर दीजिए और कैपिटल में भी ऐड कर दीजिए। देखो दोनों तरफ बराबर ऐड हो रहा है, बराबर माइनस हो रहा है, तो बैलेंस भी बराबर ही आना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए, एसेट साइड में 8,000 और उधर 8,000, तो दोनों तरफ 8,000 हुआ है ना, बस बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस कर दिया, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। पेड 20,000, पेड 20,000 टू क्रेडिटर बाय चेक। 20,000 रुपये क्रेडिटर को दिए चेक के थ्रू, बताइए और करिए। यस, वेरी गुड। बैंक में से भी लेस और क्रेडिटर में भी लेस। वेरी गुड रक्षा, अपूर्वा और कुलदीप ने भी यही कहा, यस सर यही होगा। तो बहुत बढ़िया बेटा, तो दोनों में से लेस कर दीजिए और लेस करने के बाद में बैलेंस कीजिए। अश्मित, नेहा, अपूर्वा, अपूर्वा तो खैर बता रही है, कुलदीप, सुधीर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? रोहित भी कह रहा है यस सर आ रहा है। वेरी गुड, बैलेंस हो गया, बैलेंस बैलेंस कर दिया। लॉग आउट हो गए थे, अब क्या करोगे अब? चलो मैं जो बता रहा हूं उसको करना आगे। कहां पर लॉग आउट हुए थे बताइए, फटाफट बता दीजिए। अब चलो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, अभी देखते हैं और आगे और करना है। देखिए बहुत बढ़िया, एक 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 क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा यही करवा रहा था, तो इसमें तो आप कुछ मत करिए, 20,000 जो है वो क्रेडिटर में से माइनस कर दो और 20,000 बैंक में से माइनस कर दो बस, क्योंकि क्रेडिटर को चेक के थ्रू पेमेंट किया है।
बस, और फिर बैलेंस कर दो। अब देखिए बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, देख क्या बोला जा रहा है सुनिए। दिनेश सेटल हिज अकाउंट एट डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। दिनेश कौन था? डेटर था। दिनेश कौन था? डेटर था, जिसको हमने गुड सोल्ड किया था, याद करो, 6,000 के प्रॉफिट पे, ₹26,000 का। तो उसने क्या किया है, 1,000 के डिस्काउंट पर, 1,000 डिस्काउंट करके, और फिर उसके बाद में बाकी पेमेंट कर दिया। कभी कभी होता है ना, हमसे कोई व्यक्ति मांगता है कितने, ₹26,000 मांगता है, तो हम क्या कहते हैं कि सर ऐसा है, अब छब्बीस छब्बीस तो नहीं है हमारे पास में, और अब कितने हमारे पास में, रिपीट कर रहा हूं बेटा, दिनेश सेटल हिज अकाउंट, दिनेश मतलब डेटर, डेटर बोल देता हूं, डेटर सेटल हिज अकाउंट एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। यस, नेहा कह रही है सर ₹1,000 का लॉस हो गया, बिल्कुल करेक्ट बात है। रोहित ने भी कहा 26,000 माइनस कर देंगे, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब डेटर में से तो हम माइनस कर देंगे 26, और लॉस हुआ है 1,000 का। यस, 1,000 का लॉस हुआ है, वो कैपिटल में से माइनस करेंगे, और पैसा हमारे पास कितना आया, 25,000, वो कैश में ऐड कर देंगे। सभी का एकदम परफेक्ट जवाब है, रोहित का और नेहा का बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। रक्षा, समझ में आया क्या? डेटर ने क्या किया, अपना पूरा अकाउंट जो सेटल कर दिया 1,000 डिस्काउंट पर। अश्मित, सुधीर, अपूर्वा, क्लियर है? चलो दोबारा बता देते हैं, देखिए डेटर कितने के हैं, 26 के। डेटर कितने के हैं, 26 के। तो अब डेटर ने क्या कहा कि मैं पूरा पेमेंट दे रहा हूं, लेकिन ₹25,000 ही दूंगा, पूरा अकाउंट पूरा सेटअप कर दो। कभी कभी हमारे साथ भी होता है ना, कोई व्यक्ति हमें, हमसे पैसा, हम पैसा देते हैं उसको, मान के चलिए ₹26,000 देना है हमें, तो हम क्या करते हैं उसको, क्या कहते हैं कि आप ऐसा करो, ₹25,000 में पूरा जो अमाउंट है वो पूरा क्लियर कर दो, आप ₹25,000 दूंगा, छब्बीस छब्बीस कुछ भी नहीं दूंगा। तो इस केस में यहाँ पर समझिएगा, बिजनेस जो है वो डेटर से ₹25,000 ले रहा है, तो बिजनेस को पूरा 26 लेना चाहिए था, लेकिन 25 ही ले रहा है बिजनेस, तो बिजनेस को तो ₹1,000 का नुकसान हो गया ना, लॉस हो गया, और लॉस हमेशा कैपिटल में से माइनस करते हैं। पैसा कितना आया, 25, तो कैश में ऐड कर देंगे 25, और डेटर पूरे के पूरे सेटल हो गए, मतलब 26,000 के 26,000 पूरे सेटल हो गए, तो वो माइनस कर देंगे डेटर्स में से। बोलिए समझ आया? ठीक है, मैं टोटल बता देता हूँ, और फिर इसके बाद में और बचा हुआ है वो नेक्स्ट करेंगे, अभी मैं टोटल बता रहा हूँ, सुनिएगा। ये था कहाँ पर, दिनेश वाला, टोटल है 2,19,000 कैश का, स्टॉक का है, स्टॉक है 95,000,
अरे भाई कम क्यों लेते हैं, अभी वही एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा तो आप हंसने लग जाओगे। स्कूल वाले हैं, आपकी फीस 26,000 रुपये है, तो आप क्या चाहोगे कि स्कूल वाले को 26,000 नहीं दे के 25,000 रुपये ही दे दे। तो फिर स्कूल वाले क्या करते हैं, चलो आपकी बात मान लेते हैं, 25,000 रुपये ही दे दो, तो फिर 1,000 रुपये स्कूल वाले का नुकसान हो गया ना। तो ₹2,19,000 और 95,000 बैंक क्या सॉरी स्टॉक मशीन जो उसके बाद है, इस ये 10,000 फर्नीचर, 10,000 फर्नीचर और बैंक का है 22,000, बैंक का है 22,000। मशीन है 3 लाख की, मशीन 3 लाख, डेटर्स 0, अब लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है वो है 20,000, क्रेडिटर 20,000, बैंक लोन 2,70,000, और कैपिटल, कैपिटल 3,57,000, 3,57,000 टोटल सभी का बराबर आ रहा है जो मैंने बताया। ओके थैंक यू बेटा, बाय अपूर्वा, टाइम पर फीस जमा कराओ डिस्काउंट में जल्दी से।